सीधे आपको लिए चलते हैं भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस प्रकार की खबरें आ जाती है जो सत्य नहीं होता, इसे जब कभी कंफर्म नहीं होगा तो तब तक उनके बारे में अभी करना उचित नहीं। आप सब जानते हैं कि चार दिन बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है। सारे लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, जिनको भी अभी भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस कमेटी ने और हमारे प्रभारी ने जिनको भी तैयारी दी, वो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तैयारी भी हो रही है और आप सब भी वहाँ बहुत सारे हमारे विजय साथी स्थल में दर्शन करने भी गए, हम लोग वहाँ भी गए। आदरणीय साथियों, जब भी कोई बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी लेती है तब तक इस प्रकार का घटना होता है। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी को झारखंड के लिए लगाई थी, झारखंड गए, सारे मंत्री लोग गए थे, लखमा जी भी गए थे, अग्रवाल जी गए थे, कबीर जी गए थे, अमर जी को पड़ोसी है राहुल जी गए थे, सब लोग गए। जैसे रिजल्ट आया और उसके कुछ दिनों बाद सबसे पहले आईटी की छापा छत्तीसगढ़ में पड़ा, दूसरा छापा जब हम लोग आसाम गए तब पड़ा, तीसरा जब उत्तर प्रदेश गए, चौथा जब हम लोग हिमाचल गए, हिमाचल से लौटे और उन्होंने और अब जब राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है तब भी लोग शंका कर रहे थे कि हो सकता है छापा पड़े और छापा पड़ ही गया। ये दरअसल राष्ट्रीय महाधिवेशन कांग्रेस का जो होगा उसमें आम जनता से जुड़े हुए लोग, देश से जुड़े हुए नौजवान, महिलाएं, किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, इन सब विषयों की चर्चा होगी, देश के बारे में और विदेश नीति के बारे में भी चर्चा होगी, उसी नीति पे आर्थिक विषयों के राजनीतिक मुद्दे सारे प्रस्ताव पारित होंगे। देश इसमें चलो अभी से चालू कर लो भाई, इसको भी चालू कर लो। हेलो, अब ठीक है, चलिए। अभी अभी जानकारी मिली है कि बिलाईगढ़ के विधायक चंद्रदेव राय के यहाँ भी छापा पड़ चुका है। तो ये सारी घटनाओं के बारे में इतनी जगह छापा पड़े इसकी जानकारी आदरणीय मोहन मरकाम जी ने दी, मैडम ने भी आपसे बात की, लेकिन मुख्य रूप से डरे हुए लोग हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कितनों पर भारी पड़ता हूं, लेकिन अडानी पर नहीं बोलकर यह बता दिया कि अडानी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भारी है। आज जब लगातार ये रेट डाल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहां लगी हुई है।
और इस अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल ना हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनाया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्योंकि सबको पता था कि ये ठीक अधिवेशन के पहले ये रेड करेंगे। हम लोग भी उस तैयारी में हैं, हमारा अधिवेशन किसी भी हालत में कितना भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग असफल नहीं होंगे, बल्कि इससे और ज्यादा सफलता हमको मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस रेड से कोई घबराने वाले नहीं है। सीधा सीधा ये राजनीतिक दबाव के चलते विधायकों के यहाँ, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ छापा डालने का मतलब क्या है? वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप काम मत करो। अरे ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे हम? जितना जुल्म करना है कर ले, जनता देख रही है। पहले तो समझते थे कि ईडी आईटी सीबीआई का छापा पड़ गया तो जरूर कोई कोई बात होगी, कोई गंभीर मसला होगा, लेकिन अब पूरा देश जान चुका है कि इनके रेड से केवल राजनीतिक मायने हैं, राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। इससे जनता भीग है। और हम लोगों ने कहा कि भाई जनता का पैसा गया है चिट फंड कंपनी में, 6,000 करोड़ कहीं न कहीं तो इन्वेस्ट हुआ है, कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मैंने तो गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को चिट्ठी लिखा, इसकी जांच करिए। नांग घोटाले में ईडी 4 साल से जांच कर रही है, आज तक नहीं बता पाई कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है, इसकी जांच तो इन्होंने नहीं करते। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रहे हैं, और इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारा इरादा और मजबूत होगा। और मैं पूरे प्रदेश के जनता की ओर से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उसे ये कहना चाहूंगा, ये कार्यक्रम जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है, जबरदस्त सफलता मिलेगी। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो एक एक कर। उसको तो वही समझ आता है, वो बताया ना कि जिन कार्यालयों को उद्घाटन किया था चिट फंड कंपनियों का,